आप अपनी भी चार सेमीफाइनलिस्ट टीमें हमें कमेंट में भेजें, आप भेजेंगे और अच्छा जिसकी टीमें हमारे साथ हमें लगता होगा वाकई बहुत अच्छी है, हमसे भी अच्छी है, तो हम उन टीमों को अनाउंस करेंगे आपके नाम के साथ। सेकंड ट्रिप के साथ मैं हूँ अरसलान और रिजवान और काशिम मेरे साथ मौजूद है। वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू हो चुका है, पाकिस्तान एक और वार्म अप मैच खेलने जा रहा है और फिर उसके बाद प्रॉपरली लीग शुरू हो जाएगी और फिर तमाम तर लोग और पाकिस्तान के शायकीन की नजरें इस बात पर हैं कि नीदरलैंड से लेकर आगे के तमाम मैचेस में पाकिस्तान को अच्छी जीत के साथ आगे बढ़ना होगा। कैप्टन बाबर आजम भी पुरुमीद है, लेकिन यहाँ पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं, चूंकि वर्ल्ड कप है, कौन हो सकता है हर टीम से एक की प्लेयर? अच्छा, हर टीम से मुराद जो बड़ी टीम है उस पर ज्यादा डिस्कस होगी। सलाम, एक और काम ना करें, आपने आपने इसके बारे में तो बात की, ऐसा करते हैं कि आज ये डिस्कस करते हैं कि चार टीमें कौन सी हैं जो जाएंगी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, अगर ये मर्जी है तो ये कर लेते, लेकिन मेरा तो इरादा था चूंकि अतर अली खान इतना मौतबेर, इतना बड़ा नाम क्रिकेट में, इतने बड़े रिकॉर्ड्स किसी के पास नहीं है और जाहिर है कि डॉन ब्रैडमैन अगर मतलब कोई कंपीट कर सकता है डॉन ब्रैडमैन को तो ऑब्वियसली वो अतर अली खान है। और कमेंट्री में ना तो रमीज राजा उसके आगे कुछ बेचता है और ना ही उसके आगे कोई दुनिया का बड़ा कमेंटेटर कुछ बेचता है, वो एक वन ऑफ द जीनियस फाइंड फ्रॉम बांग्लादेश है जिसको ना तो कोई जानता है और ना कोई मानता है। उस बंदे ने जो चार टीमें की है वो टीमें मेरे लिए कमाल है, हैरान कुन है और अजीब है। रिजवान, नहीं देखिये, अतर अली खान ने अगर कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, एक फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर है, 3-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके और बड़ा मुनासिब तजिया करते हैं, बड़ा सोच समझ के, उनको बड़ी ऊंच नीच का भी पता है, गहराइयों का भी पता है। तो उन्होंने कहा है कि जी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और साथ उन्होंने कहा है बांग्लादेश, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान भी फारग कर दिया, उन्होंने श्रीलंका भी फारग कर दिया। चलो पाकिस्तान तो इसलिए भी जायज समझता हूँ मैं कि पाकिस्तान एशिया कप में उनसे नीचे था फॉर वॉट एवर रीजन, लेकिन श्रीलंका उनसे ऊपर था। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका को फारिग कर दिया, उन्होंने न्यूजीलैंड को फारिग कर दिया। भाई पहले जीतना तो सीखो, बड़े मैच में एक वर्ल्ड कप के अंदर को किसी बड़ी टीम को हराना तो सीखो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि आप किस बेसिस के ऊपर, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं बायलैटरल सीरीज ये बांग्लादेश में तो हो नहीं रही। अगर ये वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होता तो मैं कहता है शायद वो कंटेंडर होते, क्योंकि वो इतनी गंदी पिचेस बनाते हैं कि उस पर ना उनके एक दो मैच ऑस्ट्रेलिया को भी हरा लेते हैं वो। लेकिन इन पिचों पे जो कि न्यूट्रल पिचेस होंगी, जिसपे बैटिंग को भी उतना ही मौका मिलेगा जितना बॉलिंग को, आपके पास वो जो पोले पोलिस फास्ट मिलिट्री मीडियम बॉलर है उन्होंने भी नहीं चलना, उनको मिलना ही नहीं है। हाँ बोले ही है ना यार, ऊपर ऊपर गेंद रख के मारो चौका। तो अगर उन्होंने वर्ल्ड कप जिताना तो फिर मैं तो पता, हम ये चैनल बंद कर देते हैं भाईजान अगर इस चैनल पर इस दफा को। देखिए उन्होंने अपनी सारे तज्जिए को बेस किया है एक वार्म अप मैच पे, जिस हिसाब से वार्म अप मैच हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश का, उसके बाद उन्होंने सोचा शायद या पॉइंट टेबल पे जो है वो हम नंबर वन पे आ गए और यहीं से नंबर वन जो है वो शुरू हो जाएगा सिलसिला, शायद वो बात है। लेकिन उनकी मासूमियत को आप इस तरीके से, इतने गलत तरीके से मत देखें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उसके अलावा अपने बहुत नेशनलिस्ट होते हैं, वो ये चीज़ गवारा ही नहीं कर सकते कि हमारा मुल्क जो है वो ना आए। तो इसलिए उन्होंने इन सब को नजरिए में रखते हुए कहा है कि बांग्लादेश आएगा, अदरवाइज आपको पता ही है कि जो हालात हैं बांग्लादेश के, अगर बांग्लादेश जो है वो एक दो मैचेस भी जीत जाए, अफगानिस्तान जैसी टीम को भी अगर हरा दे, तो मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी बात होगी बांग्लादेश के लिए। इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए आदमी को, इतना रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए आदमी को कि रियलिस्टिक तो नहीं है नहीं इतना ऑप्टिमिस्टिक और रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि 99 से अब तक आदमी एक ही ख्वाब और एक ही ट्रांस में हो कि नंबर वन टीम बांग्लादेश है, अभी तक मैं उठा नहीं हूँ और सो रहा हूँ। यार एक तो वो कमेंट्री करते हैं तो यकीन करें कानों को इतनी जहमत होती है सुनने में, पहले ही वो बंदा मतलब एक कोई अगर बॉल को रोक भी ले तो उस बंदे ने कहना है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत बांग्लादेश के प्लेयर ने इस बॉल को रोका, चाहते बांग्लादेश प्लेयर तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने इस बॉल को रोक लिया, वो चाहते तो कहीं भी फेंक सकते लेकिन उन्होंने पिच पे रहने दिया, वो मतलब बड़ी कमाल की कमेंट्री करते हैं। ऐसे चले अब जरा हम अपनी शुरू करते हैं जी, ये तो हो गए अतर अली खान और उनके खूबसूरत तजी और तबसरे। हाँ जी, आते ना ये बताए ना ना मेरा एक सवाल पहले सवाल ये है कि इससे पहले कि आप अपनी पहली टीम बताएं, आपको उस टीम की
तीन खूबियां बतानी होंगी जो रियलिस्टिक हो और आप समझते हो कि उन तीन खूबियों के साथ वो सेमीफाइनल में जाएगी। हाँ जी जी हाँ, पहली टीम नहीं, हम पहले चार से पांच टीमें निकालते हैं सारे मिलके के, लेट्स एग्री ऑन दैट। पहली टीम नेदरलैंड जो नहीं आ रही, और उसकी खूबियां भी मैं बता देता हूँ कि किस वजह से नहीं आ रही, कि उनका तो एक्सपोजर ही नहीं है वो ना, उनके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं कि वो आ सकें। दूसरी बांग्लादेश जो कि अतर अली खान सेमीफाइनल में लेके जा रहे हैं, उनका भी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अतर अली खान से गुस्ताखी करूंगा मतलब डिस्टर्ब करने की। तो बांग्लादेश नहीं पहुंच रही, मतलब वो तीन क्या वो एक ही खूबी में पूरे होते हैं कि एक शकेब के ऊपर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। और तीसरी टीम मेरी होगी जी अफगानिस्तान, वो भी वो मतलब यार मुझे तो समझ नहीं आती पठानों में ऐसे फास्ट बॉलर निकलते हैं और वो सारे पाकिस्तान जाके फास्ट बॉलिंग करा लेते हैं, तो उधर जाके पता नहीं स्पिनिंग पे आ जाते हैं कि ऐसी आराम आराम नाल कराइए, वो फास्ट बॉलर ही नहीं निकलता उतने फिजिकों के साथ। तो मेरी तीन टीमें तो ये हो गई जो मैं बिल्कुल ही कट ऑफ कर रहा हूँ। अब आप अपनी तीन कट ऑफ करें पहले। अच्छा, मेरी तरफ से पहले, मेरी तरफ से एक जो नहीं आ रही टीम सेमीफाइनल में वो है साउथ अफ्रीका। बड़ी टीम है लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं आ रही मेरी तरफ से, उसकी रीजन बताता हूँ। साउथ अफ्रीका के एक तो कैप्टन साहब का मसला हो गया, अब नया कैप्टन आएगा, जो भी आएगा वो खेलेगा, टीम को जैसे भी देखेगा। एक बुम्बा के साथ टीम चल रही थी, कैप्टन का जाना चाहे वो जो भी हो, वर्ल्ड कप के अंदर कैप्टन का ना होना ना एक डैमेजिंग पार्ट होता है। अच्छा सॉरी अरसलान, एक मिनट पहले ये जो तीन टीमें मैंने बताई ना, इन तीनों को सारे फारे करते हैं, फिर छठी टीम पे आते हैं, फिर पांचवी पे आते हैं, इन तीनों पे आए पहले। इन तीन टीमों का मेरी तरफ से हाथ जी, मैं भी फारिग करता हूँ। अच्छा जी, इन तीन टीमों को यार मैं बांग्लादेश को फारिग नहीं कर सकता, अतर अली खान के साथ मैं तो उसके साथ बैठा हूँ। मैं तीसरी जो टीम फारिग करूंगा ना, वो फारिग कर रहा हूँ श्रीलंका, नीदरलैंड, अफगानिस्तान और श्रीलंका। बांग्लादेश भाई एक बंदे ने बात की है तो कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना, तो इसलिए मैं उसको रख लेता हूँ बीच में। श्रीलंका को मैं फारिग कर देता हूँ क्योंकि श्रीलंका ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है वार्म अप मैच में। ये कोई तरीका खेलने का यार, क्या आप बांग्लादेश जैसी टीम के साथ जो है 260 रन पे पूरी, चलो आउट ना होते सारे, दो चार पांच आउट होते तो फिर बात भी ठीक थी, सारे ही आउट हो गए यार, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। तो इसलिए मैं उनको बड़े गुस्से में हूँ मैं वैसे भी उनके साथ, क्योंकि मेरे ख्याल था अच्छी टीम है, और रिजवान ने उनको सेमीफाइनल खिलाना था, न्यूजीलैंड के साथ लड़ा रहे थे उनको, तो वो साहब जो है वार्म अप मैच में फारिग हो गए, तो इसलिए मैं उसको तो फारिग कर रहा हूँ। साथ में फारिग कर रहा हूँ नीदरलैंड को, नीदरलैंड का चूंकि बिल्कुल सही कहा एक्सपोजर नहीं है, और दूसरी बात है कि उनके पास कोई वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो उनको आगे लेकर जा सके। अफगानिस्तान इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान मेरे हिसाब के मुताबिक 50 ओवर की टीम ही नहीं है, वो है 20 ओवर की टीम, क्योंकि उसके अंदर टेम्परामेंट ही नहीं है, सारे आगे दे मार साढ़े चार वाली टीम है, इसलिए इन तीन टीमों को मैं फारिग कर रहा हूँ। काशिप, बांग्लादेश को कहाँ रख रहे हैं भाई? बांग्लादेश को संभाल के रख रहा हूँ मैं, एहतियात के साथ के खराब ना हो जाए। अच्छा, स्पिनिंग तो नहीं ना जाने दे रहे भाई, मैं अभी क्यों बताऊँ आपको? अच्छा ठीक है, अच्छा आप, मेरी भी टीम नीदरलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, मेरी तीन टीमें ये हो गई। ठीक है, चलिए अब अगला राउंड आगे चले। हां जी रिजवान, बता रहा हूं। अच्छा जी, फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई मेरे हिसाब से आई विल गो विद इंग्लैंड, क्योंकि जो जिस तरीके से वो पिछले तीन चार साल से, पिछले बल्कि वर्ल्ड कप से लेके ना सिर्फ टेस्ट मैचेस बल्कि T20 स्पेशली और वनडे में ओवरऑल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, जिस प्लेयर को मैं बहुत ज्यादा रेट मतलब एज अ प्लेयर तो बहुत अच्छा करता हूँ, बट आई फील कि वो शॉर्ट फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है स्टोक्स, उसने भी फॉर्म में आ गया, 180 कर ली, सारे बैट्समैन उनके फॉर्म में, और एक बड़ा अच्छा वो जो मलान की जगह हैरी ब्रुक्स आए, हैरी ब्रुक्स हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म एज वेल, इसी तरह बटलर है, बैरिस्टो है, मोइन अली एज एन ऑलराउंडर, तो बॉलिंग स्ट्रेंथ स्पिन में भी अच्छी है उनके पास, दे हैव 2-3 स्पिनर्स, आदिल राशिद और मोइन अली, और साथ उनके लिविंगस्टन भी ऑफ स्पिन कराते हैं, सो ये तकरीबन 25-30 ओवर स्पिन पे लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त, सो आई थिंक स्पिन उनकी बैलेंस्ड है, इसी तरह बैटिंग तो उनकी बैलेंस है ही है, और ओवरऑल यूनिट जो है वो बहुत अच्छा है, और जो फास्ट बॉलर्स है वो वन डे क्रिकेट के स्पेशलिस्ट है, तो मेरी पहली टीम इंग्लैंड। मेरी तरफ से पहली टीम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की रीजन ये है कि शदीद क्लासिक ओपनिंग चल रही है, मिड में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं, मैक्सवेल की वापसी बड़ी अच्छी हो गई है टीम के अंदर, मिचेल स्टार्क इज अ प्योर टीम मैन, क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ बड़े गेम्स के लिए फिट रखता है, न
ना आईपीएल खेलनी उसने, ना पीएसएल खेलनी उसने, ना कोई और दूसरी तीसरी लीग खेलनी, जब मुल्क को जरूरत उसने खेलना। स्मिथ इज इन द गुड फॉर्म और बड़ा ही जबरदस्त प्लेयर है उनके पास, मतलब इस वक्त टीम मैं समझता हूँ हर चीज उनकी परफेक्ट है, उनका ओपनिंग ऑर्डर वार्नर से लेके तो डाउन ऑर्डर तक उनके पास परफेक्ट है। अच्छा अगर का उनको है प्रॉब्लम क्या वो नहीं खेलेंगे एस्टन अगर, अभी कोई कंफर्म नहीं है लेकिन उनको धचका है, उसके बावजूद वो टीम में इतनी कैपेसिटी है उनके बॉलर्स में, पेसर्स में, और उनके जो जैसे मैक्सवेल ने उसने विकेट्स ली हैं तो उनके पेसर्स और स्पिनर ये होता है ऑलराउंडर। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मेरी तरफ से पहली टीम है जो जा रही है सेमीफाइनल में। जी काशिप। अच्छा मेरी तरफ से भी इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है वो मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन है इंग्लैंड का, और जो है उसको अच्छे तरीके से लीड करेंगे बेन स्टोक्स, और उसके साथ है बेयरस्टो, मलान, बटलर, जॉर्ज बटलर मेरा फेवरेट बैट्समैन है, और मेरे ख्याल से चूंकि जॉर्ज बटलर ने आईपीएल इतना खेला है यहाँ पर और इतना स्कोर किया है उसने आईपीएल में, मेरे हिसाब से उनको इन विकेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है और वो बहुत ज़बरदस्त खेलेंगे। बॉलिंग उनके पास बेहतरीन है, और जिस तरह स्पिन का बताया, स्पिन भी बहुत अच्छा अटैक है। मेरा ख्याल है बेस्ट कॉम्बिनेशन इस वक्त अगर किसी के पास है तो वो है इंग्लैंड, और अगर इंग्लैंड मुझे लगता है कि शायद वो ऐसी वाइड टीम हो जो पूरे पूल में कोई मैच हारे ही ना और डायरेक्ट जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते, मुझे ऐसे लगता है कि इंग्लैंड इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। ऑस्ट्रेलिया से हारेगी, इंग्लैंड इंडिया से हारेगी, इंग्लैंड पाकिस्तान से, इन तीन टीमों से हारेगी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान। जब मैचेस होंगे फिर हम उसके बाद इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान से तो आप, पाकिस्तान से तो मैं आपके साथ खुश हो गया हूं कि ठीक है पाकिस्तान से हार जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चले मेरा ये ख्याल है कि इंग्लैंड जो है इस वक्त बेस्ट कॉम्बिनेशन इस वक्त इंग्लैंड का है। अच्छा चले दूसरी टीम जी रिजवान साहब, दूसरी टीम। अच्छा एक तो काशिफ आपके मेरे ख्याल ज़हन से निकला हुआ था, मलान की जगह हैरी ब्रुक्स आ गए हैं। अच्छा मलान बताया तो है नहीं, मैंने मलान का काशिफ ने मलान के। अच्छा जी दूसरी टीम मेरी है जनाब इन एनी केस इंडिया, उसकी वजह यह कि उससे ज्यादा बैलेंस्ड इस वक्त टीम ही कोई नहीं है। आप उनकी बैटिंग में देखें तो 1-2 से लेके 6-7 तक एवरीबॉडी इज इन फॉर्म, आप उनके फास्ट बॉलिंग देखें तो वो भी सारे फॉर्म में है, और स्पिनर्स अक्सर पटेल अनफिट हो गए तो उनकी जगह अश्विन आ गए एज गुड रिप्लेसमेंट, और सबसे बड़ी जो उनकी बात है वो ये कि 11 प्लेयर जो खेल रहे हैं उसके अलावा जो 12वां 13वां 14वां और 15वां है ना, मतलब आप किसी को ड्रॉप करके सूर्या कुमार यादव को ले आए, अगर ईशान किशन नहीं खेल रहे तो श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, इसी तरह मतलब जिसकी भी रिप्लेसमेंट आप निकालते हैं फास्ट बॉलर शामी को बिठा के वो रेस्ट करा देते हैं एक मैच में, कुलदीप यादव इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम विकेट लेने वाला, बैटिंग में आप शुभमन गिल से शुरू हो रोहित शर्मा से शुरू हो तो मुझे समझ नहीं आता कि आपने किसको आउट करेंगे तो कौन बचेगा, बट देन अगेन वन डे क्रिकेट में ये है कि कभी भी लाइन लग सकती है एंड ओवर कॉन्फिडेंट होने का शायद डर हो इंडिया को, एक आध मैच इस चक्कर में हार जाएंगे लेकिन आई एम श्योर कि कंफर्म सेमीफाइनलिस्ट नंबर टू। हाँ ठीक है, हाँ जी काशिप। नंबर टू ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर टू जाएगी एज अ सेमीफाइनलिस्ट, और वेरी वेल लेड बाय जो उनका है कमिंस, पैट कमिंस, उसके अलावा उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, उसके आने से जो इनका स्पिनर है ग्लेन मैक्सवेल, उसके आने से उनकी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है, उसके अलावा ऊपर लबुशेन और डेविड वार्नर वो उनके की प्लेयर्स होंगे, और उसके अलावा स्टीव स्मिथ ऐसे प्लेयर होंगे जो पूरी टीम को चलाएंगे, एक एंड संभाल के रखेंगे और दूसरे एंड से जो है बहुत तेजी से स्कोर होगा, स्टॉइनिस कमाल का प्लेयर है, मिचेल मार्श मुझे लगता है शायद इतना ज़्यादा ना चलें इस टूर्नामेंट में, लेकिन स्टॉइनिस, डेविड वार्नर और जो है मैक्सवेल, ये तीन इनके की प्लेयर्स मुझे लगता है होंगे। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, बॉलिंग में भी उनके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, पेस अटैक उनका बहुत अच्छा है, इनका पेस अटैक की खूबी ये है कि ये लाइन एंड लेंथ वाला पेस अटैक है, इनको कोई भी आप विकेट दे दें और इनकी लाइन एंड लेंथ इतनी अच्छी होती है कि वहां पर ये कमाल करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्विंग पर डिपेंड नहीं करते लेकिन लाइन एंड लेंथ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो मुझे लगता है कि सेकेंड टीम जो क्वालिफाई करेगी वो ऑस्ट्रेलिया होगी आफ्टर इंग्लैंड। मेरी तरफ से सेकंड टीम होगी इंडिया, क्योंकि इंडिया की सारी बातें तो बता ही दी हैं आप लोगों ने भी, रिजवान भाई ने भी। मेरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया वन होगी और इंडिया उसके बाद क्वालिफाई अगर मैं देखता हूँ तो इंडिया होगी। इंडिया की भी रीजन ये है, एक तो उनके घर में हो रहा है, दूसरा रोहित शर्मा के लिए प्रोबेबली आखिरी वर्ल्ड कप होगा, विराट कोहली का भी शायद आखिरी वर्ल्ड कप हो,
अच्छी फॉर्म में प्लेयर्स हैं उनके, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है, उनका बॉटम बहुत अच्छा खेल रहा है, पांड्या जैसा ऑलराउंडर और जडेजा जैसा ऑलराउंडर उनके पास है, और उनके पास बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त है। अब अश्विन भी शायद वापस आ गए मेरा ख्याल स्क्वाड में, है ना रिजवान, अश्विन को भी इंक्लूड कर लिया ना अक्षर की जगह। बिल्कुल बिल्कुल, अक्षर की जगह। तो बहुत 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 बैलेंस टीम है इंडिया। इंडिया का एक मसला है जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ, जो दो चीजें मैंने कही है, एक तो पहले वो कि इंग्लैंड वाला, दूसरा इंडिया का एक मसला है, इंडिया जाएगी तो सही आराम से सेमीफाइनल, इंडिया ऐसा मैच हारेगी जो अनएक्सपेक्टेड होगा सबके लिए। इंडिया लगातार 5 मैचेस जीतने की एबिलिटी हमारी तरह रखती नहीं है, बहुत मुश्किल है, अच्छी टीम होके भी नहीं रखती, 5 एकदम मैचेस एक साथ जीत जाए, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि किसी छोटी मोटी टीम या किसी ऐसी टीम से कहीं उनका पलड़ा ना पड़ जाए जैसे श्रीलंका हो या कुछ हो, क्योंकि 50 में श्रीलंका को आउट किया तो कुछ तो श्रीलंका ने सोचा ही होगा, यहाँ बड़े लड़के लाए होंगे बात घर से। अच्छा भारत, इंडिया दूसरी टीम होगी मेरी तरफ से जी, रिजवान तीसरी टीम। अच्छा मैंने पहली अपनी बताई थी इंग्लैंड, दूसरी बताई थी इंडिया, तीसरी मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, और मुझे तीसरे पे मैं इसलिए उसको कह रहा हूँ कि आई हैव फेल्ट एंड आई हैव सीन दैट देयर आर सर्टेन वीकनेसेस इन द ऑस्ट्रेलियन टीम। एक जो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है वो शायद, ठीक है मैं ये तो मानता हूँ कि आपने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड को पीछे मैचेस नहीं खिलाए, दैट इज द रीजन यू लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका। इंडिया के साथ भी आपने इनको ट्राई करते रहे, और जिस दिन वो नेदरलैंड के खिलाफ खेला मिचेल स्टार्क, तो सबको पता चल गया कि क्वालिटी में फास्ट बोलिंग की कितना फर्क पड़ जाता है उनके। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्पिन बोलिंग डिपार्टमेंट। देखिए अगर एश्टन एगर भी खेल रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी खेल रहे हैं और जैम्पा भी खेल रहे हैं, तो तीनों की रीसेंट फॉर्म एज स्पिनर्स, मतलब मैक्सवेल जो है वो तो इफ्तिखार टाइप स्पिनर है ना कि पोली पोली बॉल करा दो, लग गई तो लग गई, वरना शायद बैट्समैन मिस हिट कर दे तो आउट हो जाता है। कुलदीप है या कोई और श्रीलंका के पास वेलेलाज है, उस तरह का नहीं है। और सिमिलरली जैम्पा मे बी ए गुड लेग स्पिनर फॉर T20 क्रिकेट, बट आई हैवंट सीन हिम परफॉर्म इन वनडे इंटरनेशनल्स, नंबर वन। और दूसरा, जिस तरीके से उसको साउथ अफ्रीका ने वहां पे 113 रन दिए, ठीक है आई अंडरस्टैंड कि वो उसको एक और फास्ट बॉलर को भी पड़े 100 प्लस रन, लेकिन जिस तरीके से जैम्पा को पड़े हैं उसका कॉन्फिडेंस यकीनन शैटर हुआ होगा। और मुझे उनकी स्पिन इन विकटों पे आपको टीम वो चाहिए जो 30 से 35 ओवर स्पिन के कराने के काबिल हो, ये टीम बाकी टीमों से बेहतर है। सो थर्ड टीम इज ऑस्ट्रेलिया। रिजवान की हो गई जनाब अली इंग्लैंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, काशिफ की हो गई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, और अब तीसरी काशिफ। तीसरी टीम जो है वो दो टीमों का बता सकता हूँ कि एक ही टीम का बताना है, एक का बता रहे ना, तीसरी बतानी लड़ाई होगी न्यूजीलैंड या इंडिया, इन दोनों में से एक टीम पहुंचेगी इनटू द सेमीफाइनल्स। और मुझे जो है लगता ही है कि शायद 60% आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स न्यूजीलैंड, कि न्यूजीलैंड जो है वो शायद क्वालिफाई कर ले फॉर द सेमीफाइनल्स, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन एक दफा फिर बड़ा अच्छा है, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी, बैटिंग बड़ी अच्छी, खास तौर पे विलियमसन का वापस आना टीम के लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। तो मुझे लगता ये है कि अगर तीसरी में जो लड़ाई होगी वो इन दोनों के दरमियान होगी, बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। पाकिस्तान मेरी तीसरी टीम है पाकिस्तान, और उसकी रीजन है बहुत एक स्ट्रॉन्ग, वो ये है कि पाकिस्तान ने अभी अतर अली खान सीनियर बन गए हैं भाईजान। देखे बात सुने ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान कम से कम बांग्लादेश नहीं है, ये तो दुनिया से पूछ ले, बांग्लादेश नहीं है, थोड़ा हल्का रखें। और पहली बात ये है कि पाकिस्तान के पास टॉप क्वालिटी बैटर्स भी हैं, पाकिस्तान के पास टॉप क्वालिटी बॉलर्स भी हैं, पाकिस्तान का स्पिन अटैक चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड कप है। और एक चीज आपको बता दूं कि जब कोई टीम जिसमें सारी खसूसियात हो, वो अच्छा खासा ना खेल रही हो और अच्छी खासी तनकीद का निशाना बनी हो, तो बाउंस बैक करने की अहलियत रखती है। और बेशक पाकिस्तान तीसरे नंबर की तरफ जाए या चौथे पर जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी जाएगी इंशाल्लाह, कुछ भी हो जाए जाएगी। तो मेरी तीसरी टीम पाकिस्तान है। चले रिजवान साहब, आपकी चौथी टीम, चौथा और आखिरी ऑप्शन अब आपके लिए। तीन टीमें मैंने पहले फारिग कर दी थी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स।
तीन मैंने आपको पहले बता दी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, छह टीमें हो गई, बाकी बची चार टीमें। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इनमें से पहुंचेगी कौन सी और इनमें सबकी कमजोरियां क्या है। श्रीलंका, हाँ बिल्कुल छोटा छोटा करके। अच्छा, एक तो श्रीलंका के चांसेस हैं, उनके पास स्पिन अटैक ऐसा है कि वो 30-35 ओवर्स करा सकते हैं, सो आई फील श्रीलंका वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। साउथ अफ्रीका आर कंसिडर्ड एज चोकर्स, बट आई थिंक दिस टाइम देयर गोना कम अराउंड। बेशक कप्तान उनका चेंज हुआ है, मार्कम अगर बनता है तो आई थिंक देयर अ बेटर ऑप्शन देन हैविंग बोबमा एज अ कैप्टन। आई नेवर लाइक्ड हिम एज अ प्लेयर, उसकी तो प्लेयर वाली लुक ही नहीं आ रही होती। तीसरी टीम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत वन डायमेंशनल टीम है, ठीक है मुझे अच्छी बहुत लगती है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास प्लान बी प्लान सी नहीं होता। और जो स्पिनिंग ऑप्शन है, जिस तरह मैंने ऑस्ट्रेलिया में आपको कमजोरी बताई थी, इनकी भी स्पिन ऑप्शन जो है वो काफी कमजोर है। और चौथी टीम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का भी एक्सपोजर का मसला है, लेकिन वो वेरी कंपेटिटिव है और लड़के खेलते हैं। आई फील के सिक्स सेवन्थ के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान कम्पीट करेंगी और फोर्थ और फिफ्थ के लिए साउथ अफ्रीका श्रीलंका, बट साउथ अफ्रीका विल बी माय फोर्थ टीम फॉर द सेमीफाइनल्स। अच्छा जी, मेरी फोर्थ टीम होगी पाकिस्तान, अनडाउटेडली। यार बात सुनो एक सेकंड काशिप, अभी आप कह रहे थे जी 60-40, मैं 30 में रेट कर रहा हूँ इंडिया और न्यूजीलैंड, तो फोर्थ में पाकिस्तान कैसे आ गए उनमें से एक रन? वो ऐसे आ गए क्योंकि वो तो आपस में थर्ड के लिए लड़ाई में, मैंने आपको बताया ना, फोर्थ तो साथ ही वो फिफ्थ है ही। ना फोर तो पाकिस्तान की है ही है ना। देखें अगर उसका 60, एक जिसका 40 होगा, पाकिस्तान का 50 होगा, पाकिस्तान जो है क्वालिफाई कर देगी फॉर द सेमीफाइनल्स। और पाकिस्तान फिर वैसे ही क्वालिफाई करेगी, आप फिक्र ना करें कि वो उसको हराए, वो उसको हराए, वो इस तो एक आध बारिश हो जाए फिर पाकिस्तान जो है, और आप देखिएगा नीवी नीवी होकर ना पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, सेमीफाइनल में नीवी नीवी होकर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान की क्या कहते हैं जो है ना अंडरडॉग होना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी पाकिस्तान की, पाकिस्तान ऑन देयर डे कैन डू एनीथिंग। टाइम की कमी है बहुत लंबा हो रहा। चलो जी, टीम हो गई पाकिस्तान, मेरी पाकिस्तान। ठीक है, रिजवान ने तो पाकिस्तान का ऑप्शन ही नहीं लिया, लेकिन मेरी चौथी टीम होगी जी न्यूजीलैंड। उसकी रीजन ये है कि मुझे ये लगता है कि इंडिया इंग्लैंड से बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराने की अहलियत रखती है, और न्यूजीलैंड को चाहिए कि 2019 का बदला 2023 में ले। तो मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान एंड इंडिया, ये चार टीम्स होंगी। और मुझे न्यूजीलैंड अच्छी लग रही है क्योंकि जिस तरह से वार्म अप मैच खेला उन्होंने, अभी उन्होंने टेस्ट भी नहीं की थी, पूरी की पूरी बॉलिंग और बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छा खेला है, और केन विलियमसन के वापस आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मिडल ऑर्डर का वो जॉइंट है, जैसे राहुल द्राविड होता है ना, वो वैसा प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है और वो खड़ा रहता है मुश्किल हालात में। उनकी बॉलिंग में बड़ी जबरदस्त डेप्थ है, मुझे लगता है कि वो अपनी बॉलिंग से लोगों को परेशान करेंगे, और इसलिए मैं चौथी टीम इंग्लैंड की जगह न्यूजीलैंड रखता हूँ। चलो जी, ये हुई हमारी रीकैप। मेरी है जी इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये मैं बाद के लिए याद कराने के लिए रख रहा हूँ, आप भी अपने अपने रीकैप दें जरा। मेरा है इंग्लैंड, मेरी है इंग्लैंड, जी महाराज डेविड रिजवान ने कहा है अपनी तीन टीमें, अब आप अपनी तीन टीमें बताएं। मेरी है जी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीसरी मैं किसको कहूं, इंडिया ही कह देता हूं, इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, न्यूजीलैंड काट दिया आपने खुद ही इस ऑप्शन में, देखा अभी से 5 मिनट में ये लड़ाई करके काट दिया। मैंने 40-60 वाली रीकैप कराया है, इसीलिए रीकैप कराया। यस, ठीक हो गया। मेरी है जी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, पाकिस्तान अच्छे तरीके से जाएगा इंशाल्लाह, चौथे नंबर पे है न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ और हम पिछले T20 के सेमीफाइनल का ले लें बदला, तो आ जाए मजा। तो जिसकी प्रेडिक्शंस ठीक होंगी वो बाकी जो जिसकी वर्स्ट होंगी वो खाना खिलाएगा सबको। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है हम तैयार हैं काशिप की तरफ से खाना खाने के लिए। डन। अच्छा चले चले, मेरी तरफ से भी डन, और रिजवान तो ऑब्वियसली डन ही डन है, रिजवान साहब भी खाना खिला ही देंगे हमें किसी ना किसी तरह। चले अब हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन एक चीज है कि आप अपनी भी चार सेमीफाइनलिस्ट टीमें हमें कमेंट में भेजें, आप भेजेंगे
और अच्छा जिसकी टीमें हमारे साथ हमें लगता होगा वाकई बहुत अच्छी है, हमसे भी अच्छी है, तो हम उन टीमों को अनाउंस करेंगे आपके नाम के साथ और कोशिश करेंगे आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी भेजें, तो हम करेंगे ये काम। चलें, बहुत शुक्रिया, सेकंड स्लिप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।